गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको पूछा गया है न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड एरियल रूट ऑफ एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x-5 बराबर 0। इससे पहले अपन ने न्यूटन रैप्सन के दो एग्जांपल देखे थे, पहले आप उन्हें देखिए, फिर इसके बाद आप ये वाला एग्जांपल देखिए, तो इसमें आपको पता चलेगा कि इस इक्वेशन के अंदर आपको एक बार तो इसमें 1 रखना है। देखो ठीक, 1 रखना है तो -7 आ रहा है, 0 रखोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। देखो 0 रखोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, 1 रखोगे तो -7 आएगा, और अगर 2 रखोगे तो -3 आएगा। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें 0 और 1 रखने पर आंसर आ जाता था, पर अब की बार क्या है, 2 तक भी माइनस आ रहा है तो अपन 3 रखेंगे। ठीक, जैसे पहले भी बताया था मैंने कि 3 रखने पर माइनस आए तो 4 वैल्यू रखनी है, 4 रखने पे माइनस आए तो 5 रखनी है। ठीक, जब तक हमारे पास एक माइनस की वैल्यू आए और एक प्लस की वैल्यू आए, तो यहाँ पे रूट कहाँ लाई करेगा, क्या 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, नहीं, 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, नहीं। ठीक है, 1 और 2 ये है, ठीक, फंक्शन ऑफ f1 और फंक्शन ऑफ f2। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस के मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कोई रूट इनके बीच में लाई नहीं करेगा, पर रूट कहाँ लाई करेगा, f2 और f3 के बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए f2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, और f3 की वैल्यू क्या है, 13 है। अब आपको बताया था मैंने पहले भी कि 0 के पास कौन सा है, -3 है या 13 है, बताइए, -3 है पास में, तो हम सबसे पहले वैल्यू किसकी रखेंगे, 2 की रखेंगे। ठीक, इस फंक्शन के अंदर 2 की वैल्यू रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x2 और x3 के बीच में लाई कर रहा है, ये पता चल गया, पर वैल्यू काहे की रखनी है, आप 3 की रख देंगे तो ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कितनी बार ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा तब वैल्यू आएगी, आ तो जाएगी ठीक, पर टाइम लगेगा, इसलिए फास्ट करने के लिए जल्दी 2-3 बार में ही आ जाए आंसर, इसलिए हम काहे की वैल्यू रखेंगे, फंक्शन ऑफ f2 की वैल्यू रखेंगे। देखिए 2 की वैल्यू रखते ही इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2.33 आ गई, 2.33 फिर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए 2.28056 आ गई, फिर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये 2.279 वाली आ गई। अब क्या ये रिपीट कर गई, नहीं कर गई, वापस से इसको आपने रखा यहाँ पर तो क्या आया, यही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आगे के 4 डेसिमल्स तक ए की वैल्यू रिपीट कर गई, 2.2790, तो ये क्या है, रियल रूट है 4 डेसिमल्स तक। ठीक, आपको 5 डेसिमल्स तक का पूछता तो फिर आप ये वैल्यू रखते। ठीक, तो ये आगे की जो आ रही थी वैल्यूज उसको आप रखते, ठीक, फिर उसके बाद वापस रखते, पर आपको पूछा क्या है, 4 डेसिमल्स तक ही पूछा है, तो हमने 4 डेसिमल्स तक सेम वैल्यू जैसे आई वहीं हमने x3 बराबर क्या हो गया, हमारे x4 हो गया, इसलिए हमने इसको यहीं रोक दिया। ठीक है, तो ये आपसे 4 डेसिमल तक लास्ट पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, पर अगर आपने गलती से यहाँ पर एक्स नॉट बराबर क्या मान लिया, 2 की वजह 3 मान लिया, जिसकी वैल्यू आ रही 13, तो आपका ये थोड़ा प्रोसेस लंबा चला जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा बार वैल्यू रखनी पड़ेगी तब आपके 4 डेसिमल्स तक बराबर वैल्यू आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।